पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने आज विधान परिषद के बाहर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर लेकर राबड़ी देवी और तमाम विपक्षी नेता सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। अब तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो राबड़ी देवी हैं और उनके साथ तमाम विपक्षी नेता जो हैं वो विधान परिषद के बाहर हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं राबड़ी देवी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से आंखों की रोशनी चली गई है लोगों की, उसका मामला जो सामने आया है उसको लेकर राबड़ी देवी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। और क्या कुछ कर रही हैं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सरकार पर निशाना साधते हुए, सुने। जी मुजफ्फरपुर में बहुत लोगों की आंखों रोशनी चली गई है। जितने लोगों की आंख निकली है किसी को मुआवजा तक कोई बात नहीं हो रही है, उसके कैरियर पूरा जिंदगी खराब हो गया। उनका ऐसा मंत्री क्या है कि आंख निकाला जा रहा है गरीबों को मुजफ्फरपुर में। ये यहाँ जो साहब शराब की बोतल है, सब मालूम है कहाँ शराब के बोतल मिलता है, वो लोग का सब मालूम है, मुख्यमंत्री को मालूम है, खोजे अपना ही काला झाड़ियों में खोज रहे हैं। अच्छा डीजीपी शराब की बोतल खोजेंगे तो बाकी काम कैसे करेंगे? वही काम करेंगे और क्या करेंगे, क्या हो रहा है, विधि व्यवस्था खत्म है, ध्वस्त हो गया है विधि व्यवस्था, कहीं है ये नहीं है, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लूट मर्डर हो रहा है। आज कितना आप ही लोग के चैनल तो सब दिखाते हैं, दुनिया देखता है। अब ये लोग को बहस कहने से क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है, बहस करता है तो थथरे ही लोग करता है हाउस में भी, हम हाई कर दिया, हो कर दिया, ये कर दिया, कुछ नहीं हुआ। अरे कागज पत्र में तो कर दिए, टी वी पर न्यूज में दिखा दिए, सर जमीन पर काम करिए ना भाई, लोग देखेगा तो कहाँ लोग देख रहा है, वही हो सत्ता के लोग, कहें सत्ता के लोग आवाज़ उठा रहा है, सत्ता में रहते हुए भी लोग आवाज़ उठा रहा है, सरकार को अंगड़ी उठा रहा है, शर्म आना चाहिए सरकार को, सत्ता में लोग रहते हुए भी अंगड़ी उठा रहा है। एक बात और, सत्ता के भी विधायक जो है और सभी लोग कह रहे हैं कि कोई अधिकारी सुनता ही नहीं है विधायक की, कोई भाई सुनता है, 15 साल से 16 साल हो गया सुनते, कोई विधायक अधिकारी पक्ष से छोड़िए ना, विपक्ष से छोड़िए, सरकार में जो लोग है सरकार के विधायक भी है मंत्री भी, वो लोग का तो बात है कोई नहीं सुनता है। सर मैडम इधर, मैडम इधर देखते भ्रष्टाचार हो रहा है, ज्यादा भ्रष्टाचार सरकार में देखने को मिल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, कोई धरपकड़ नहीं हो रहा, तो नीचे का गरीब आदमी है उसको धरपकड़ के आप जेल में भर रहे हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं, बड़ा बड़ा मछली को बड़ा बड़ा आदमी को लोग छोड़ रहा है, बचाव कर रहा है सरकार, बचाव कर रहा है गरीबों के प्रति। तो आपने सुना साफ तौर पर राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार पर जबरदस्त इल्जाम लगाए हैं और ये तक कह दिया है कि मुख्यमंत्री को शर्म आना चाहिए, भ्रष्ट सरकार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, यानी कि सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती हुई भी राबड़ी देवी नजर आ रही हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें द एसडी न्यूज़ के साथ और देखते रहें द एसडी न्यूज़।